अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आरिस। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के बेस्ट ट्रू मौजूद है पेस सेंसेशन, जिन्होंने आज अफगानिस्तान को 59 रन पे ऑल आउट करने में अहम किरदार अदा किया। आइए इनसे बात करते हैं। मेरा पहला सवाल शाहीन भाई और नसीम से है कि आप लोगों का क्या प्लान था जब आपने इतना लो टोटल डिपेंड करने के लिए गए? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, अच्छे हौसले लग रहे हैं। नहीं नहीं, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट जाता है। आई थिंक ओवरऑल इज़ अ टीम परफॉर्मेंस थी ज़्यादा, क्योंकि देखिए जब टीम फंस जाती है, जब बीच में से बैट्समैन जाके उन्होंने रन्स किए, हम में भी ये था कि यार 200 रन्स तक कर लेंगे तो हम कवर कर सकते हैं। बट आउटस्टैंडिंग बॉलिंग दोनों पेसर की रही और कोशिश यही थी कि जो राइट एरिया है उसको हिट करे, रन चौके ज़्यादा ना दे अर्ली ऑन, क्योंकि अगर फुल बॉलिंग ज़्यादा कर ली तो उस पर ये आराम से हमें रन कर सकते हैं। तो आई थिंक प्लान यही था, सिंपल प्लान था कि जो राइट एरियाज़ है, क्योंकि विंड चल रही थी, कोशिश थी कि विंड को भी यूज़ करें और जो अच्छी एरिया है उसको हिट करें। आप लोगों का मैंने देखा है कि हम आप दोनों का न्यू बॉल पे पार्टनरशिप बड़ा अच्छा हो रहा है, तो कैसा प्लान करते कल करके जाते हैं ग्राउंड में जब पार्टनरशिप के लिए? देखिए, पहला ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जैसे शहीन ने आज स्टार्ट किया, पहले दूसरे ओवर में 2 विकेट लिए, तो दूसरे एंड से थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि जब बैट्समैन पे प्रेशर होता है, विकेटें मिली होती है आपको, तो दूसरे बॉलर के लिए इजी होता है। तो नया बॉल बड़ा ज़बरदस्त यूटिलाइज़ किया और बाकी जो माशाल्लाह हारिस ने जो स्पेल किया तो आउटस्टैंडिंग था, और आई थिंक बॉलिंग यूनिट सबको क्रेडिट जाता है और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, और क्योंकि लो टोटल था और हमारा बिलीव तो मैच से पहले ये बात कर रही थी कि इंशाल्लाह हम डिपेंड कर सकते हैं। जी शाहीन भाई, पार्टनरशिप में बॉलिंग, देखिए जैसे बैटिंग में पार्टनरशिप होती है बड़े टारगेट के लिए, वैसे अगर आपने किसी टीम को लो स्कोर पे आउट करना है और लो टोटल भी अगर डिफेंड करना है तो उसमें पार्टनरशिप में बॉलिंग करनी होती है। आई थिंक तीनों को रोल पता है कि हमारा क्या रोल है, नए बॉल से पुराने बॉल से कोशिश की थी, उसमें रिजल्ट अल्लाह पाक ने अच्छे दिए। क्रेडिट हारिस को भी जाते हैं, काफ़ी आई थिंक वाइड बॉल में थ्रू आउट जब से ये खेल रहा है और थ्रू आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और आई थिंक जो इसकी पेस है उससे उसको काफ़ी हेल्प मिल रही है। होपफुल के मैं और नसीम भी उस पेस को जल्दी टच करें, ये तो टच किया उसने, बट होपफुल वेरी सून। हरीश भाई, आप ये बताएं, शादी के बाद आपका पहला पंजा था, पहली बॉल पे विकेट, तो क्या ये इफेक्ट करता है? देखिए, आपने बात की शादी के बाद, ऑब्वियसली बात है शादी के बाद कुछ चीज़ें चेंजेस होती हैं आपकी लाइफ में, और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ लकी फॉर मी, और कि मैंने पहली बॉल पे विकेट एंड अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑब्वियसली बात है, इस तरह का अगर स्टार्ट मिले किसी भी सीरीज़ के अंदर, जिस तरह आगे एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप के लिए वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। जिस तरह इन्होंने स्टार्ट लिया अर्ली ऑन, जिस तरह नए बॉल से बॉलिंग की, तो जिस तरह जब ये नए बॉल से बॉलिंग करते हैं तो इनको देख के मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, और जिस तरह स्टार्ट में अर्ली ऑन विकेट लेके देते हैं, फिर मेरा कोशिश होती है कि उसको कैरी ऑन रखना, तो बस इनको फॉलो करता हूं दादा। नसीम, आपने बैटिंग काफ़ी इंप्रूव की, हमने देखा है कि टेस्ट मैच में भी आप पार्टनरशिप लगाते हैं, या अभी आपने आज नट आउट की बारी के लिए, तो इसका क्रेडिट किसको जाते हैं? बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं, क्या खास क्रेडिट जाते हैं उनके बॉलर्स को? यार देखिए, टीम को ज़रूरत थी, और देखिए हम टैलेंटेड कोशिश करते हैं, सारे बैटिंग करते प्रैक्टिस करते हैं, तो जब टीम को ज़रूरत हो और थोड़े बहुत हम रन बना लेते हैं लास्ट में, तो टीम को फ़ायदा होता है, क्योंकि लो टोटल हमने डिपेंड करना था, क्योंकि रन बहुत कम थे हमारे और ये 20 रन जेड हुए, तो उसकी वजह से हमने 200 की, और फिर माशाल्लाह आपने देखा कि जब शुरू में उन्होंने आपको स्टार्ट दिया तो आपका फिर क्या प्लान था, और आखिर में ये मैन ऑफ द मैच किसको डेडिकेट करेंगे? देखिए, जिस तरह इन्होंने स्टार्ट में बॉलिंग की और मुझे फील हो रहा था कि हार्ड एंड, जिस तरह हार्ड एंड जब हिट कर रहे थे बॉलिंग, तो काफ़ी अच्छा उस पर स्विंग भी मिल रहा था, कोशिश की कि स्टार्ट में हार्ड लेंथ से ही स्टार्ट करूं, तो बस इनको देख के बॉलिंग की स्टार्ट। मैन ऑफ द मैच डेडिकेट मैं अपनी फैमिली को करता हूं, और स्पेशली मैं अपनी मदर को करता हूं। मेरी मदर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरी जितनी भी क्रिकेट में मेरी जितनी भी सक्सेस है, मैं अपनी सारी अपनी मदर को डेडिकेट करता हूँ।